ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस वर्ड 2007 के आज के अध्याय में हम सीखेंगे मेलिंग्स टैब के क्रिएट ब्लॉक में एनवलप्स फंक्शन का उपयोग और लेबल्स फंक्शन का उपयोग। क्रिएट ब्लॉक में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एनवलप्स और लेबल्स। एनवलप्स का उपयोग हम करते हैं अगर आपको किसी को एनवलप्स भेजना हो और उस पर आपको प्रिंट आउट निकालना है, मतलब एड्रेस भेजना है, खुद का एड्रेस भेजना है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से एनवलप्स और लेबल्स, ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस आप लिख सकते हैं, मतलब जिसको आपको एनवलप्स भेजना है उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिख दें, और नीचे यहाँ पर रिटर्न एड्रेस, मतलब अगर वो डिलीवर नहीं हो पाता है आपका लेटर या एनवलप तो वो वापस किस एड्रेस पर आए, वो हो गया रिटर्न एड्रेस, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब अगर आपको अपने एनवलप का साइज़ कुछ और रखना है, ये नहीं चाहिए, तो ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पर ये अलग अलग साइज़ दिए हुए हैं, इसमें से जो साइज़ आपको चाहिए वो आप चुन सकते हैं। और नीचे प्रीव्यू में आपको दिखता जाएगा कि वो साइज़ कितना बड़ा आएगा, कैसा आएगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपको ठीक साइज़ लगता है उसे आप यहाँ पर देख लें और अकॉर्डिंगली उसको चुन लें। इसके बाद इसे ओके कर दें, फिर ऐड टू डॉक्यूमेंट पर जाकर के क्लिक कर दें। यहाँ पर वो आपको पूछेगा, डू यू वॉन्ट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस, यानी जो आपने रिटर्न एड्रेस दिया है वो आप एज अ डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं, यानी जब भी आपको एनवलप्स भेजना हो तो रिटर्न एड्रेस हमेशा वही आएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, और अगर नहीं तो फिर नो पर क्लिक कर दें। ये देखिए, ये आ गया आपका एनवलप, इसमें ये है डिलीवरी एड्रेस जिस पर आपको एनवलप भेजना है, और ये हो गया रिटर्न एड्रेस जिस पर अगर एनवलप डिलीवर नहीं होता है तो वापस आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं मेलिंग टैब्स में क्रिएट ब्लॉक में लेबल्स ऑप्शन का उपयोग। इसका उपयोग हमें करना होता है जब मान लीजिए आपके पास एनवलप्स हैं और आपको उन पर या कहीं और आपको एड्रेसेस चिपकाने हैं और लेबल बनाने, स्टिकर सॉर्ट ऑफ बनाना है। ऐसे में आप इस ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर ये लेबल्स ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। सबसे पहले तो जहाँ आपको वो लेबल्स चिपकाने हैं, जो एड्रेस आपको लिखना है वो यहाँ पर आप लिख दें। मान लीजिए हमें ज्ञान यज्ञ 108 स्नेह नगर इंदौर, इस एड्रेस के लेबल्स बनाने हैं। अभी जो है वो आपको यहाँ पर साइज़ नज़र आ रहा है, ये साइज़ रहेगा, इस तरह का स्टिकर ये बनेगा। अब अगर आपको साइज़ में कोई चेंज चाहिए तो आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जब आप यहाँ से कोई सा भी साइज़ चुनेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो हाइट और विड्थ दी हुई है वो आपको चेंज होती हुई नज़र आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया तो ये देखिए यहाँ पर हाइट चेंज हो गई, विड्थ चेंज हो गई। ठीक है, हमने लिया 30 पर पेज तो उसकी हाइट ये रहेगी, विड्थ ये रहेगी। हमने ओके कर दिया और इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक कर देंगे, और ये देखिए इस तरह से पूरे पेज पर, ये 30 पर पेज थे तो पूरे पेज पर ऐसे 30 स्टिकर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो एड्रेस हमने डाला था सारे स्टिकर्स पर वही एड्रेस आ गया है। अगर आपको वही सेम एड्रेस चाहिए हो तो इसे ऐसे ही रहने दें, पर अगर आपको अलग अलग स्टिकर्स पे अलग अलग अगर एड्रेस चाहिए तो फिर हमने इसे सिलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जो भी हमें दूसरा एड्रेस डालना है वो हम डाल सकते हैं। इसी तरह से सारे स्टिकर्स पर आप ये कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा मेलिंग्स टैब में क्रिएट ब्लॉक में एनवलप्स फंक्शन का उपयोग और लेबल्स फंक्शन का उपयोग।